देर इज क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि वेदर एक पार्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैचड क्या वो पार्टिकुलर लेटर है वो डिस्पैचड हुआ था तो यहाँ पर फैक्ट क्या है फैक्ट ये है कि ये एक ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है जिनमें सभी लेटर्स को एक सर्टेन प्लेस पे पुट किया जाता है और उनको पोस्ट के लिए ले जाया जाता है एंड जो पार्टिकुलर लेटर था वो भी उस प्लेस के ऊपर वहाँ पर पुट किया गया था तो क्या ये फैक्ट यहाँ पर रिलेवेंट है और एविडेंस एक्ट इसके रिलेवेंसी के बारे में क्या कहता है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या ये फैक्ट यहां पर रिलेवेंट होगा तो हाई गाइज आर यू ऑल तो यहाँ पर आज हम सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है सेक्शन 16 कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ अ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके एग्जिस्टेंस को कब यहाँ पर रिलेवेंट माना जाता है तो क्या है कि जहां पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस क्या है ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि नेचुरली वुड है नेचुरली वहां पर किया जाता है मतलब एवरीडे रिपीटली वो वर्क किया जा रहा है तो यहां पर उस एग्जिस्टेंस फैक्ट है उस एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में तो वो यहाँ पर एक रिलेवेंट फैक्ट है अब इसको उस एल्यू के थ्रू देखते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था जिसमें एक पार्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन था एक पार्टिकुलर लेटर के डिस्पैच के बारे में तो वहाँ पर फैक्ट क्या था किडनी कोर्स ऑफ बिजनेस था जिसमें सभी लेटर को एक पुट किया जाता था एक सर्टेन प्लेस में एंड फिर उसको ले जाया जाता था पोस्ट के लिए और वो जो पार्टिकुलर लेटर था वो भी उसके अंदर उस जगह पर पुट कर दिया गया था तो यहाँ पर ये फैक्ट क्या शो करता है एक एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है एक एनी कोर्स ऑफ बिजनेस को तो उसके आधार पर यहाँ पर हम ये फैक्ट है इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए रिलोवेंट कहेंगे एज पर द सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द एविडेंस एक्ट और यहाँ पर जो ये फैक्ट है उसको कंसिडर किया जाएगा एंड इसी तरह एक सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्या एक वो जो लेटर है वो रीच्ड हो चुका है ए के पास में तो फैक्ट क्या है कि के के अंदर वो वो हुआ हुआ था and was not returned through the dead letter office. और अभी तक वापस भी नहीं हुआ लेटर के तो फैक्ट पर होगा अगर वो उस तक ना पहुंचा होता तो उसके पास वो रिटर्न हो जाता डेड लेटर ऑफिस के थ्रू लेकिन वो उसके पास रिटर्न नहीं आया तो यहां पर ये फैक्ट उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए रिलेवेंट माना जाएगा जो कहता है कि जो पार्टिकुलर लेटर है वो रिच हो चुका है ए के पास तो ये था सेक्शन 16 ऑफ एविडेंस एक्ट। आई होप कि आपको सेक्शन 16 के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट था वो तो क्लियर हो गया होगा एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लर्निंग